अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूके के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी कि आपने यूके का स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है विदाउट कंसल्टेंट, और इन केस अगर आप कंसल्टेंट के पास जाते भी हैं तो आपको क्या क्या स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आपने वीज़ा फाइल करना है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स जस्ट गो इनटू द वीडियो। सो सबसे पहली जो चीज़ है वो आपने डिसाइड करना है कि आपने किस कोर्स में जाना है। जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने किस कोर्स में जाना है, उसके बाद आपने देखना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके में विच आर ऑफरिंग दैट कोर्स विच यू डिसाइडेड। जब आपने यूनिवर्सिटीज़ देख ली और वो कोर्स भी डिसाइड हो गया, उसके बाद आपने देखना है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ योर पासपोर्ट, वो आपको लाजमी चाहिए। उसके बाद आपकी OA लेवल्स की डिग्री, अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो आपको सिर्फ अपनी AO लेवल्स की डिग्री चाहिए। इफ़ यू आर कमिंग फॉर मास्टर्स देन यू नीड योर BS डिग्री एज वेल। और उसके बाद आपको चाहिए दो रेफरेंस लेटर आपकी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आपको चाहिए IELTS इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के लिए। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको मुश्किल होती है अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जनरेट करने के लिए, उनको समझ नहीं आती हम कैसे बनाएं, क्या लिखें क्या नहीं लिखें। तो आपको इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगी, उस पर आपने जाना है और अपनी SOP जनरेट कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अटैच करती हूँ कि आपने किस से अपनी जो है SOP जनरेट करनी है। ये हमारे पास जो ऐप है ChatGPT, इस पे हम गए हैं और हमने पहली ऑप्शन सेलेक्ट की और इस पे हमने अपना स्पेसिफिक क्वेश्चन लिखना है। अब हम लिखेंगे कि राइट एन SOP फॉर कोवेंट्री यूनिवर्सिटी फॉर मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी। तो आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास फुल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जनरेट करके हमें दे देगा। ये देखें, अब जब आपने इस ऐप से ChatGPT से अपनी SOP जनरेट कर ली तो आप उसको एज इट इज़ अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर आप उसको अपलोड करेंगे तो प्लेजरिज्म आ जाएगा। तो आपने उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना है अपने अकॉर्डिंगली, अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली। लेकिन उस SOP को आप हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स रियली गुड टू जनरेट दिस SOP। अब आपके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हो गए, अब आपने अप्लाई कैसे करना है। आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे कंट्री हेड होता है हर यूनिवर्सिटी का। कंट्री हेड बेसिकली क्या होता है कि हर यूनिवर्सिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है अपनी कंट्री में। यूनिवर्सिटी ने इनको ये काम दिया होता है कि इफ़ स्टूडेंट्स आर फीलिंग एनी डिफ़िकल्टी इन अप्लाइंग इन एनी कोर्स, तो ये स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। तो आपने वहाँ पे जाना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और कंट्री हेड को सर्च करना है। कंट्री हेड को सर्च कैसे करना है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अटैच कर रही हूँ। एक यूनिवर्सिटी की मैं एग्जाम्पल दूंगी, बाकी भी सारी यूनिवर्सिटीज़ का ऐसे ही आपने जाके सर्च कर लेना है। ये देखें, अब हम हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी का जो है कंट्री हेड सर्च कर रहे हैं। ये हम गए, ये देखें उनका कंट्री रिप्रेजेंटेटिव है आकिब खान। इसमें आप उनकी ईमेल एड्रेस भी देख सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर भी। तो आपने इस ईमेल एड्रेस को यूज़ करना है। आपने ये वीडियो देखी कि कैसे कंट्री हेड को सर्च करना है। अब जब आप कंट्री हेड से कंट्री हेड की ईमेल पर ईमेल करेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि आप कंसल्टेंट से कॉन्टेक्ट करें, लेकिन आपने उनको स्ट्रेट अवे बता देना है कि यू वॉन्ट टू डू योर प्रोसेस बाई योर सेल्फ, आपको कंसल्टेंट नहीं चाहिए। तो वो फिर आपकी कम्प्लीटली हेल्प करेंगे आपका पूरा वीज़ा प्रोसेस करने में। उनसे ही आपने फ़ी का भी पूछ लेना है। फ़ीस नॉर्मली तो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पता चल जाएगी कि फ़ीस क्या है, लेकिन उनसे आपने पूछ लेना है कि आपने यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है उस पर आपको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, कितना डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि जब आप कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो डिस्काउंट आपको थोड़ा कम मिलता है, लेकिन जब आप खुद अप्लाई करेंगे तो आपको थोड़ा डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा। अब जी ये हो गए हमारे पास मेन स्टेप्स, आपको पता चल गया कि हमने कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। उसके बाद प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, जब आपने अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को सबमिट करवा दिए, फिर आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी जो है एक ऑफ़र लेटर देगी। ऑफ़र लेटर में कुछ कंडीशंस होंगी। इस कंडीशंस क्या होंगी, कंडीशंस होंगी हमारे पास सबसे पहले आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट, उसके बाद आपकी फ़ीस की रिक्वायरमेंट, और उसके बाद आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, और अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो भी आपको यूनिवर्सिटी बता देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये कंडीशंस कैसे ख़त्म करनी है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इंग्लिश लैंग्वेज की कंडीशन। इंग्लिश लैंग्वेज की कंडीशन हमने IELTS, TOEFL या कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट दे के ख़त्म कर देनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ़ीस की कंडीशन। सो बेसिकली फ़ीस हमारे पास जो है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं
वो 50% फीस लेती हैं अप फ्रंट, कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो 20% लेती हैं। इट डिपेंड्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, या आपकी यूनिवर्सिटी आपको बता देगी। फीस के साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि आपकी होती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में आपकी आ जाती है कि आपकी जो रिमेनिंग फीस है वो आपके बैंक में होनी चाहिए, और प्लस योर 9 months लिविंग एक्सपेंस कि आपने 9 महीने जो यहाँ खर्चा करना है वो भी आपकी बैंक स्टेटमेंट में ऑलरेडी होना चाहिए। तो अब मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ कि यहाँ बैंक स्टेटमेंट का क्या क्राइटेरिया। अगर तो आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं जो कि इनसाइड लंदन है, तो आपकी मंथली जो एक्सपेंस है वो होना चाहिए £1,334। इसको अब आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 9 से। उसके बाद अगर आप आउटसाइड लंदन किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक्सपेंस होना चाहिए 1023 मंथली। अब आप इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर लें। सो बेसिकली ये हमारे पास बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। जब आपने अपनी फीस 20% या 50% सबमिट करवा दी, उसके बाद आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट भी रख ली, तो ये आपका समझ लें एक पॉइंट जो है ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जो यूनिवर्सिटी आपसे क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में पूछती है। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बता दूंगी कि क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ यही कि वो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आप इंटरव्यू में उनके आंसर्स कर देंगे तो आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। और अगर आप कंट्री हेड से कॉन्टैक्ट करेंगे तो कंट्री हेड भी आपको ये इंटरव्यू प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। ऐसा नहीं सोचें कि अगर आप कंसल्टेंट के पास नहीं जा रहे तो कंट्री हेड, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं ऑन योर ओन तो आपका क्या बनेगा। इस बात में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कंट्री हेड भी आपकी इस चीज़ में हेल्प लाजमी करता है। अब आपके पास जो भी कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है वो यूनिवर्सिटी आपको बता देगी, तो वो भी आपने सबमिट करवा देना है। अब आपकी ये चारों रिक्वायरमेंट्स जो हैं जब पूरी हो जाएंगी, इंग्लिश लैंग्वेज की, फीस की, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू एंड देन एनी मिसिंग डॉक्यूमेंट, इसके बाद यूनिवर्सिटी आपको इशू करेगी कैश जो है कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके कोर्स की स्टार्ट डेट, एंड डेट, वो सब इसमें होता है, लेकिन आपने वो सब चेक कर लेना है। आपको अपना वीज़ा फाइल करने के लिए ये लाजमी चाहिए होता है। अगर आपने अपनी डिटेल्स इसमें चेक नहीं की तो इट कैन बी कॉज ऑफ योर वीज़ा रिजेक्शन। तो जब भी आपको कैश इशू हो, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स की स्टार्ट डेट, एंड डेट, ईयर, एवरीथिंग आपने क्लियर कट चेक कर लेना है। अब जब सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स भी क्लियर हो गई, आपको कैश भी इशू हो गया, उसके बाद अब आपने करनी है जी अपनी वीज़ा फाइल तैयार। वीज़ा फाइल में हमारे पास हमें चाहिए होती है एक चीज़, आपका टीबी टेस्ट। तो आपने टीबी टेस्ट करवा लेना है। ये नॉर्मली हर कंट्री में डिफरेंट सेंटर्स होते हैं जहां आप जाके करवा सकते हैं। आपकी वीज़ा की फ़ीस, वीज़ा की फ़ीस जो है वो है आजकल £363 इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम आउटसाइड यूके, और ये फ़ीस जो है चेंज होती रहती है, लेकिन आजकल जो है ये 363 है। आपने वीज़ा फाइल जब भी करना है, जब आप वो वीज़ा फाइल की एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे होते हैं, उसमें आपके पास डॉक्यूमेंट स्कैन करने की ऑप्शन आती है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ ही स्कैन कर देने हैं, अदरवाइज़ जब आप VFS के सेंटर जाएंगे अपॉइंटमेंट के लिए तो आपको वीज़ा स्कैन करने के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए आपको एक्स्ट्रा फीस सबमिट करनी पड़ेगी। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपने अपने वहाँ पे ही डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर देने हैं। अब जब भी आप यहाँ वीज़ा फाइल करते हैं तो उसमें आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी पे करनी होती है। हेल्थ इंश्योरेंस, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इफ़ यू आर कमिंग फॉर द कोर्स जो 1 साल 1 मंथ का है, तो ये आपसे हेल्थ इंश्योरेंस 2 ईयर्स के लेंगे। एंड लाइक इफ़ यू आर कमिंग फॉर कोर्स 2 ईयर्स और 2 मंथ्स, तो ये आपसे हेल्थ इंश्योरेंस 3 ईयर्स के लेंगे। यहाँ बेसिक ये क्राइटेरिया है। तो हेल्थ इंश्योरेंस की मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताऊंगी क्योंकि ये चेंज होती रहती है और ये डिपेंड करती है आपके कोर्स पे। ये आप जब सबमिट कर रहे होंगे फाइल तब आप देख सकते हैं। अब जब आपने ये अपनी वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर दी, इसके बाद आपने, आपके पास एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। वो रेफरेंस नंबर जो है वो आपने VFS की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, वो रेफरेंस नंबर भी उधर देना है आपने। अपॉइंटमेंट बुक जब आपने कर लेनी है VFS के लिए, उसके बाद आपको बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाया जाएगा और आपने वो करके वीज़ा फाइल हो जाएगा आपका। और उसके बाद आपने वेट करना है, लॉन्ग वेट। लाइक आजकल जो है वीज़ा टाइम ले रहा है ऑलमोस्ट 2 to 3 months, जो मुझे स्टूडेंट्स बता रहे हैं। तो उसके बाद आपने वीज़ा फाइल करने के बाद वेट करना है और फिर यूके आके यहाँ एंजॉय अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आपने पूछने, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।